बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मैथ टी वन एक्सरसाइज 9A सॉल्व करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हम सी करने लगे हैं। इस पार्ट सी में जो टेबल बना हुआ है, जब आप टेबल को देखोगे तो इसमें जो स्टार्ट में वैल्यू दी हुई है लेंथ वैल्यू मिसिंग है। इसमें लेंथ वैल्यू क्या है, इसमें नहीं दी हुई। फिर इसके बाद उसने विड्थ की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। W विड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर उसने हाइट दी है हमें वैल्यू। हाइट की वैल्यू इस टेबल में नज़र आ रही है 3 होल 1/2 सेंटीमीटर। इस होल नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं हम 2 3 6 और 1 7 7/2। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप फ्रैक्शन में ही लिख लें, इजी हो जाएगा। अब इसमें एक और वैल्यू उसने दी हुई है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये उसने पॉइंट में दे दी है 52.5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब वैल्यू में होता है। अब आगे और एक वैल्यू मिसिंग है जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो भी वैल्यू मिसिंग है। इसका मतलब हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं लेंथ वैल्यू इसमें मिसिंग है। जब तक हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट की वैल्यू ना हो, हम सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकते। लेंथ की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ मल्टीप्लाइड हाइट। अब ये वॉल्यूम इज इक्वल टू ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो बोथ साइड्स आर इक्वल होती हैं जब दरमियान में वैल्यू लगी होती है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। हम लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ मल्टीप्लाइड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ऐसे वैल्यू निकालनी आसान होगी। अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, यानी हमने फाइंड करनी है, और विड्थ की वैल्यू हमारे पास 6 है, और हाइट की वैल्यू जो मैंने सिंपल फ्रैक्शन में बनाई है 7/2 इज इक्वल टू वॉल्यूम हमारे पास है 52.5, साथ में यूनिट लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 2 को कट कर देते हैं इस 6 से, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 7 21 लेंथ मल्टीप्लाइड 21 इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके साथ जब लेंथ के साथ 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो इसको भी 21 पे डिवाइड कर लें और इसको भी 21 पे डिवाइड कर लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन इक्वल टू में बोथ साइड इक्वल होता है। इसको इससे कट करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और इसको जब इससे रिड्यूस करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा हमारे पास। जब डिवाइड करेंगे 2.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिवाइड करके दिखा दूं, तो ये देखें 52.5, इसको ये डिवाइड करते हैं 21 पे, तो ये 2 पे पहले होगा, ये 42 आ जाएगा, 0 1, और ये ऊपर से 5 आ जाएगा। अब पॉइंट आ गया, तो अब हम पॉइंट लगाएंगे और फिर 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 5 5 2 10, तो ये देखा स्टूडेंट, ये 2.5 आ गया। अब 2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल 5/10, जिसका मतलब 2 होल 1/10, ये आंसर आ गया। डेसिमल मैंने ख़त्म कर दिया, होल नंबर में लिख लिया, तो 7 आ जाएगा सेंटीमीटर। स्टूडेंट, आपने देखा इस वॉल्यूम से हमने लेंथ वैल्यू फाइंड कर ली, और लेंथ हमारे पास आई है 2 होल 1/2 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास लेंथ की वैल्यू भी हो, विड्थ की वैल्यू भी हो, और हाइट की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले हम रिवाइज करते हैं इसका फार्मूला। सरफेस एरिया का फार्मूला स्टूडेंट्स आप रिवाइज करें, कैसे याद आ रहा है आपको, कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2
इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ और प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड हाइट और फिर इसके मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ साथ। अब आपको लेंथ लेंथ हमने फाइंड की थी 2.5 सेंटीमीटर या इज इक्वल टू 2 होल 1/2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। टू लेंथ हमें मिली है 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 मीन 5/2 मल्टीप्लाइड वेट हमारे पास है 6। राउंड ब्रैकेट क्लोज की मैंने, फिर लेंथ हमारे पास कितनी है 5/2 और हाइट कितनी हमें दी हुई है 7/2 प्लस विड्थ हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर 6 और हाइट हमारे पास कितनी है 7/2। ये राउंड ब्रैकेट और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इस 2 को रिड्यूस करते हैं इस पे, तो ये 3 आ जाएगा। 2 ये स्क्वायर ब्रैकेट 5 3 15 प्लस, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये वैल्यू कोई भी रिड्यूस नहीं होती, 7 5 35/4 प्लस इसको इससे कट कर देते हैं 7 3 21 इज इक्वल टू ये 2 × 15। अब इसको मैं होल नंबर में चेंज करता हूँ। एक तो ये मेथड है कि इसका हम ये एलसीएम कंसीडर करें 4, फिर इस डिनोमिनेटर से फिर हम इस सारे को सॉल्व करें, तो इसको आसान है। एक और भी मेथड है, अगर आपको ये ज़्यादा समझ आ जाए तो मैं ये आपको सिखाता हूँ ये कौन सा मेथड है। पहले आप इसको होल नंबर में ले आए वैल्यू, जब आप इसको होल नंबर में वैल्यू लेके आएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये देखें 35 को जब हम होल नंबर में चेंज करेंगे, सॉरी 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 8 32 स्टूडेंट 4 पे डिवाइड किया, 4 8 32 5 - 2 तो ये 3 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 8 होल 3/4 प्लस 21। अब इसका तरीका ये है कि इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 8 16। अब ये साथ होल नंबर है तो प्लस लेके होल नंबर को मैं कर लेता हूँ, 3 को 3/4 को 2 से करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ये एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, प्लस 2 को 21 से करेंगे तो 42 आंसर आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं 30 प्लस अब 16 और इसका फिर मैं होल नंबर बना लेता हूँ, प्लस 1 होल 1/2 प्लस 42। अब ये देखें 30 प्लस होल नंबर इसमें ऐड कर दिया, 17 होल 1/2 प्लस 42। जब आप इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 89 होल 1/2। स्टूडेंट जब इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 89 होल 1/2। ये 42, 17 और 30 को प्लस कर लेंगे और साथ 1/2 लिख देंगे। तो अगर इसको आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख लें 89.5, साथ क्या यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये जो मैंने होल नंबर वाला प्रोसेस करवाया समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो फिर यहाँ से आप 4 इसका डिनोमिनेटर है, 4 आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम से इस वैल्यू को प्लस कर लें और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर 89.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम आंसर आएगा। उम्मीद है आपको इस मेरे पैटर्न की समझ आ गई होगी। ये पैटर्न बड़ी क्लासेस में यही पैटर्न यूज होता है, कोशिश करें कि आप इस होल नंबर वाले पैटर्न को और फ्रैक्शन को प्लस माइनस करने का तरीका सीखें। तो उम्मीद है जब आप ट्राई करेंगे कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।